हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सर्वेश। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को लेके। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, और जब ये शेयर 30-35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, फिर मैंने इसको एग्जिट पॉलिसी भी बताई कि हम कैसे इससे एग्जिट हो चुके थे। और अभी फिर से मुझे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी लग रही है इस प्राइस लेवल पर, थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है। वी विल डिस्कस एवरी थिंग इन दिस वीडियो, एंड बने रहिएगा चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड एक डिस्क्लेमर रहेगा, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। मेरी आपको कोई राय नहीं है कि आप इस शेयर को खरीदें या बेचें। आपको जो भी कुछ करना हो, प्लीज़ आप अपना डिलेंस अवश्य करें। सो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक वन ऑफ द ग्रोइंग फाइनेंस बैंक है, और वो भी अपने एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की सेगमेंट में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी बड़ा बैंक बन चुका है। उसके बाद दो जो कॉम्पिटिटर हैं वो एजुमन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोनों बैंक मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट टुडे आज हम बात करने वाले हैं इक्विटास के बारे में। तो इक्विटास में क्या पोटेंशियल बन रहा है, अगर हम डायरेक्ट इसके चार्ट पैटर्न पर चले जाएंगे तो देखेंगे स्टॉक जो इसने नियर हाई लगाया था। नियर हाई मतलब मैं अगर हम देखें तो नियर हाई, दिस इज द नियर हाई, एंड 116-117 रुपये के आसपास इसका हाई लगा है। एंड अगर हम उस हाई से देखें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है। और अगर हम करेक्शन देखें तो तकरीबन ये करेक्शन 25% से ज़्यादा की है, 25% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। बट एक अच्छा और सेगमेंट अगर हम देखें कि स्टॉक अपने जो लास्ट हाई था उससे कितना परसेंट बढ़ा है, तो 77 रुपीज़ के आसपास जब ये जुलाई 2021 में था, और उस समय से देखें तो अभी कितना महंगा मिल रहा है, तकरीबन 12%। अब आप बोलेंगे सर ये मुझे गणित थोड़ा समझ में नहीं आया, तो देखो मेरा समझाने का तरीका ये है कि अगर हम जुलाई 2021 के फाइनेंशियल्स को देखें, तो जुलाई 2022 में प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और मार्च 21 में देखेंगे, तो मार्च 21 में कंपनी के पास 384 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता था। कंपनी 3194 करोड़ का रेवेन्यू था, जो रेवेन्यू तकरीबन 6000 करोड़ हो चुका है, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 634 करोड़ दिख रही है, बल्कि मुझे 800 करोड़ दिख रही है, मोर देन 800 करोड़। बट यहाँ पर इन्होंने इस बार कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रोविजन कर दिया, वो भी मैं आपको बैलेंस शीट में भी रीड आउट करके बताऊंगा। देन यू विल कम टू नो एवरीथिंग, क्लैरिटी आपके सामने होगी। एंड क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, एंड अभी क्यों स्टॉक गिरा, और थोड़ा सा करेक्ट होने की बिल्कुल बिल्कुल चांसेस हैं। और अगर ये 80 रुपये के आसपास मिल जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए बाय करने की। एंड अगेन मैं कहना चाहूँगा डिस्क्लेमर कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है, आप अपना डिलेंस अवश्य करें। मेरे हिसाब से सिर्फ ये समझने की चीज़ है कि मार्केट ऐसे ही चलता है, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता, मार्केट की एक अंडरस्टैंडिंग है, मार्केट को आप थोड़ा समझ आइए, आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। आप हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते, अगर आप 50% भी एक्यूरेट हो गए ना तो आप 50% का आपका CAGR हो जाएगा, अगर आप 40% भी एक्यूरेट हो गए तो आपका CAGR 40% हो जाएगा, और 100% का किसी का CAGR बन ही नहीं सकता। तो जितने परसेंट आप सही हो सकते हो, मतलब मैं आपकी एक्सपीरियंस एंड आपके एबिलिटी, आपकी स्टडी पावर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी परसेंट की अपनी एक्यूरेसी ला सकते हो। सो हम देखें कि स्टॉक का प्राइस गिरा क्यों और डाउन क्यों हो रहा है अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अगर हम देखें तो इनकी जो बैलेंस शीट, जो उनके यहाँ पर एक PPT अवेलेबल है, उस PPT में कंपनी ने सीधा सीधा बताया है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको इनकी बैलेंस शीट बता देता हूँ यहाँ से रीड आउट करके जो उन्होंने रिजल्ट्स में बताए हैं। कंपनी ने बताया है कि कंपनी के पास ये लाख्स में दिया है, तो दो पॉइंट के बाद अगर पॉइंट लगा देंगे तो तकरीबन 1500 करोड़ के पास इनके पास इंटरेस्ट अर्न हुआ है। उस इंटरेस्ट में इनके पास इंटरेस्ट हुआ है, डिस्काउंट ऑन एडवांस एंड बिल्स वगैरह है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट भी आया है, और इंटरेस्ट बैलेंस भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, अदर बैंक के पास रहता है। तो टोटल इनके पास जो ABC मिलाकर इनके पास जो आई है इनकम, वो 1500 करोड़ के आसपास इनके पास रिवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर हम देखें अदर इनकम भी इनके पास तकरीबन 208 करोड़ आई है, एंड साथ साथ में अगर हम टोटल इनकम देखें तो कंपनी के पास 710 करोड़ के आसपास टोटल इनकम है, और इन्होंने एक्सपेंडिचर कितने किए हैं, 700 करोड़ के आसपास इन्होंने इंटरेस्ट पे आउट किया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी तकरीबन 770 करोड़ का किया है, एम्प्लॉय कॉस्ट भी इनके पास तकरीबन 450 करोड़ की गई है, और सारे एक्सपेंसेस मिला के, एक्सपेंडिचर मिला के कंपनी के पास टोटल 1370 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है। तो अगर हम देखें 1700 करोड़ कमा रही है और 1370 करोड़ का, तो तकरीबन 400 करोड़ का कंपनी के पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट आना चाहिए था, बट कंपनी ने जो
क्वार्टरली रिजल्ट में सिर्फ नेट प्रॉफिट कितना दिखाया है, 26 करोड़ दिखाया है। उसका रीजन्स क्या है? उसके रीजन कुछ नहीं है, कंपनी ने सिर्फ अपनी प्रोविजनिंग ज़्यादा बढ़ा दी है, बहुत ज़्यादा प्रोविजन कर दिए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन यहाँ पे दिख रहा है 340 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा था, मतलब आप सोचिए 340 करोड़ कहाँ पर और कहाँ 28 करोड़ आ गए। बट अगर देखेंगे ना प्रोविजन अदर देन टैक्स एंड कंटिजेंसी, तो 304 करोड़ के तो इन्होंने प्रोविजन दिखा दिए। 304 करोड़ बहुत ज़्यादा प्रोविजन होते हैं। लास्ट ईयर अगर हम देखें ना तो इन्होंने जून का लास्ट ईयर अगर हम कंपैरिजन करें तो ज़्यादा सही रहेगा, तब इन्होंने 600 करोड़ के यहाँ पे 312 करोड़ के प्रोविजन दिखाए थे, इस बार 340 करोड़ के प्रोविजन दिखा दिए, बहुत ज़्यादा दिखा दिए। और इसी कारण ये कंपनी जब इन्होंने 60 करोड़ के प्रोविजन दिखाए थे, इस बार 304 करोड़ के प्रोविजन दिखा दिए, बहुत ज़्यादा प्रोविजन दिखा दिए। और पिछले क्वार्टर में तो इन्होंने सिर्फ 106 करोड़ का, तो प्रोविजन ज़्यादा दिखाना या कम दिखाना ये बैंक के ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभार बैंक अपनी बैलेंस शीट अच्छी दिखाने के लिए भी कर सकता है, वो कंपनी ने लिख के भी दिया है, कंपनी ने रिटर्न में लिख के भी दिया है कि मैंने ये क्यों किया है, एंड आरबीआई कुछ पॉलिसी बदली है उस कारण भी किया है। इस कारण से कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया है, 28 करोड़ के नेट प्रॉफिट पर कंपनी यहाँ पर आ गई 26 करोड़ के। अगर हम इनकी एक और पीपीटी देखेंगे जिन्होंने जहाँ पर कंपनी ने बिल्कुल क्लियर कट बताया कि हमने इतना प्रोविजन क्यों किया है, मैं आपको ये पूरा मैंने पीपीटी पढ़ा है, आपको थोड़ा पढ़ने में टाइम लगेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कंपनी क्या कर रही है और कहाँ से अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा स्ट्रेंथिंग प्रोविजन कवरेज। तो जो एक्चुअली प्रोविजनिंग क्यों करते हैं, प्रोविजनिंग एक आरबीआई का रूल्स रेगुलेशन है। अगर आपके पास कोई लोन है और अगर वो स्टैंडर्ड है, जैसे माने कि अगर आपने पास 100 करोड़ का लोन है और 100 करोड़ अच्छा चल रहा है, उस पर भी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। अगर वो सब स्टैंडर्ड हो गए लोन, अगर एनपीए हो गए, अगर सिक्योर है तो 15%, और अगर अनसिक्योर्ड है तो 25%, और अगर वो प्रोविजन पर इक्विटास है तो 70%। ये सब इनके नॉर्म्स बने हैं, डाउटफुल वन, DB1, DB2, DB3 बोलते हैं इनको शॉर्टकट में। तो अगर हम देखें तो कंपनी के जो प्रोविजन का जो यहाँ पे मूवमेंट दिखाया, पीसीआर मूवमेंट दिखाया गया, तो इस बार जो उन्होंने प्रोविजन किया है बहुत ज़्यादा किया है, 70.29% का प्रोविजन किया है। और कंपनी ने यहाँ पे लिखा भी है, बैंक हैज मेड एडिशनल प्रोविजन इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग प्रोविजन RS 180 करोड़ ड्यूरिंग द Q1 FY 2025। इन्होंने ये एक्स्ट्रा किया 180, दिस इज द एडिशनल, जो करते हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा 180 किया है, इन ऑर्डर टू एलिगेंट विद आरबीआई गाइडलाइंस ऑन वॉलेंट्री ट्रांजेक्शन टू यूनिवर्सल। वॉलेंट्री ट्रांजेक्शन समझते क्या होता है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेते हैं, स्वेच्छा से किया है, तो ये इन्होंने ज़्यादा किया है 180 करोड़। आने वाले क्वार्टर में इनका इनको बेनिफिट मिलेगा, आने वाले क्वार्टर में कहो कम करें या बिल्कुल ही ना करें तो वो नेट प्रॉफिटिलिटी में उसी तरह सो आउट होगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे 26 करोड़ का आप नेट प्रॉफिट मत मानिए, आप यहाँ पे 180 करोड़ इसमें ऐड करके ही मानिए, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कंपनी का प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है 208 से ज़्यादा ही आया है, कम नहीं आया है, कंसिस्टेंटली कंपनी के नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहे थे। बस मैं यही बताना चाह रहा था कि लोवा बोलेंगे सर आप बोल रहे थे कंसिस्टेंटली नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, कंपनी का कंसिस्टेंटली नेट प्रॉफिट यहाँ बढ़ रहा था, एकदम गिर गया तो शेयर का प्राइस और गिर जाएगा, नहीं गिरेगा। ऐसे गेम होते हैं स्टॉक मार्केट में जो आपको समझने पड़ेंगे। जब रेवेन्यू बढ़ रहा है, जब यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट इन्होंने माइनस में दिखा दिया ड्यू टू प्रोविजनिंग, और फाइनेंसिंग मार्जिन माइनस में चले गए, अदर इनकम भी अच्छी खासी है, वो ग्रो हो रही है, बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट 26 करोड़ इतना कैसे गिर सकता है। सो ये चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियरिटी आउट किया, क्लेरिफाई किया, जो आई होप आपको समझ में आई होगी। और अगर हम देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू दिख रहा है, जस्ट यहाँ पे नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी इस बार 1000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करेगी, कंपनी का भी टारगेट होगा, बिकॉज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रही है। अगर आप जहाँ रह रहे होंगे वहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, और बैंक में अगर आप विजिट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरा मैं बताना चाह रहा था कि कंपनी का प्राइस अभी, मुझे स्टॉक की प्राइस जो है ना वो जुलाई 2021 से सिर्फ 12% महंगा मिल रहा है। क्या कह रहा है, क्या सर आप बात कर रहे हो, 12% कहाँ तक क्या शेयर चला गया, ऐसा नहीं है। अगर आप इस रेट को कंसिडर करेंगे, और कंसिडर करना ही पड़ता है, समटाइम वी विल हैव टू कंसिडर, माना कि करना ही पड़ता है तभी आप पैसे कमा सकते हो। ऐसे नहीं बोला कि सर ये यहाँ से तो बहुत नीचे चला गया था, 32, 33, 34, 35, 37 रुपये चला गया, फिर यहाँ से रिटर्न दिया। तो अगर आप देखें करेक्ट हो गया तो अपॉर्चुनिटी बनती है, अभी देखें तो 12% महंगा मिल रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट भी इसके सैटरडे को ही आए, एंड तो सॉरी फ्राइडे को ही आए,
यानी कल ही आए, तो अब उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम पड़ा है, मंडे को थोड़ा बहुत दिख सकता है, बट अगर वहाँ पर दिखने के बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए बाय करने की तो आप अपने डीलर्स करके खरीद सकते हो। बट कंपनी अच्छी है और छोटे टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ से तकरीबन तकरीबन 40% का अपसेट पोटेंशियल लग रहा है नज़र, और जब ये यहाँ से रिवर्सल देगा, अगर हम करंट प्राइस से इसको रिवर्सल ले लें तो 40% तकरीबन ये 120 रुपये के आसपास का बनेगा। तो 120 रुपये आने में अगर एक साल भी लग जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, बट जैसा कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है और कंपनी बहुत सस्ते पी पर ट्रेड हो रही है और सस्ते पी 15 के पी पर ट्रेड हो रही, तो मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगेगा, और जब 1000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएगा तो ये 10 के पी पे आ जाएगी। हालांकि जब 1000 करोड़ का प्रॉफिट होगा तब ये कंपनी 9800 पे ट्रेड नहीं करेगी, वो पहले ही और ऑलरेडी आगे बढ़ जाएगी, बट 10 के पी पे अभी मुझे दिख रही है। अगर आपको देखें तो सर अभी तो आपको 15.6 का पी दिख रहा है, बस मुझे 10 का पी दिख रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, कैसे हर चीज़ों को आपको जोड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और 3 साल पुरानी की रेट में सिर्फ 12% महंगा मिल रहा है, कब मंडे को थोड़ा और नीचे खुल जाए तो क्या पता उसी रेट पे मिल जाए या फिर उसके थोड़ा से। तो समटाइम वी विल हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज हियर, और कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है 1 रुपये का, तो दैट विल बी ऑल्सो ग्रेट थिंग्स कि थोड़ा बहुत तो करेक्ट होगा यहाँ पे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है 40% का अपसेट पोटेंशियल है 120 रुपये का टारगेट प्राइस के हिसाब से। बट वंस अगेन दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, मेरी आपको कोई भी राय नहीं है, बिकॉज पैसा आपका है, आप अपना डिलेंस करिए, अपनी समझ के हिसाब से लगाइए। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ग्रोइंग बैंक है, काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रही है इंडिया में और इनका पेनिट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, ब्रांचेज बढ़ती चली जा रही है, वो आप इनकी इस PPT के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और कंपनी सब चीज़ आपके द्वार पे आपके PPT के माध्यम से पहुंचा रही है कि रैपिडली ग्रो कर रही है। अभी कंपनी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 15 ब्रांचेज है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा एरिया है, वहाँ सिर्फ इनकी 15 ब्रांचेज है। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है ये UP में भी अच्छी खासी ब्रांचें खोलेंगे, और जिन स्टेटों में इनकी इन स्टेट में इनकी पहुँच ज़्यादा नहीं है वहाँ पर भी ये बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करेंगे, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, और ये तेलंगाना हो, ये सब ग्रो करने वाली है। तो बैंकिंग की और व्यवस्था बहुत अच्छी होने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप जरूर कर सकते हो 9826287440 पर, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए, जय हिंद।